जय हिंद साथियों। तो हम फिर से एक नए वीडियो के साथ, ये हमारा कौन सा फिजिक्स का कौन सा लेसन चल रहा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में हम पहले वीडियो के द्वारा बहुत सारे टॉपिक पढ़े हुए थे, जिसमें विद्युत धारा पढ़े थे, विभवांतर पढ़े हुए थे, उसके बाद आवेशों का प्रवाह पढ़े थे और भी सारे टॉपिक पढ़े हुए थे। तो उसके बाद हम आज फिर से अगले टॉपिक को देखेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे। यानी इससे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी टेंथ वाले स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, हमारा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आता है सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, तो सेल और बैटरी को हम देखेंगे, इसको हमको देख लेना है और इसको याद भी कर लेना है। तो देखिए, हम परिभाषा लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, क्योंकि लिखने से ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है। हम बोल रहे हैं और आप लोग वीडियो को स्टॉप कर करके और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल, सेल क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कि बैटरी क्या होता है। तो देखिए, सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर बनाए रखता है, उसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा ना, आसानी से आप लिख लीजिएगा। अब हम आसानी से बोर्ड पे समझ लेते हैं कि सेल क्या होता है, कैसे इसके दोनों इलेक्ट्रोड इसके कौन कौन से होते हैं, उसके बीच विभवांतर कैसे यह बनाए रखता है, कैसे कोई ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसको हम देखेंगे। इसका संकेत सूचक क्या है, आइए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी है ना जी, बैटरी जैसे दिख रहा है। देखिए, ये हमारा जो है ना, यही टर्मिनल है, इसी को कहते हैं, इसको प्लस टर्मिनल और इसको माइनस टर्मिनल। यही जो टर्मिनल जो होता है, यही दोनों, इन्हीं दोनों के बीच विभवांतर बनाए रखता है। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर हम बता चुके हैं पीछे के वीडियो में, अगर आपको विभवांतर समझ में नहीं है तो पीछे के वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सा अच्छा से उस वीडियो में बताएं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो विभवांतर क्या होती है, दो विभव के बीच का अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो इसके बीच का विभवांतर बनाए रखता है, जब तक ये बनाए रहता है विभवांतर, तब तक मानते हैं कि ये बैटरी हमारा चार्ज है। जब ये विभवांतर बनाना छोड़ देता है, यानी विभवांतर नहीं बना पाता है, तो समझते हैं कि बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो गया, फिर से हम उसको चार्ज करते हैं विभवांतर बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें विभवांतर बनाए रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल जो होता है, बदल देता है, क्या बदलता है, बदलता है यानी अपनी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बदलता है रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ये छोटा सा हमारा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। रासायनिक ऊर्जा का जो बैटरी होता है वो बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और बैटरी का फिगर तो आपका हो गया, इसका संकेत यानी बैटरी का संकेत क्या होता है, सूचक क्या होता है, यानी इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा इस लेसन के लिए, अब यहां से आपको इसको याद रखना है, बैटरी, बैटरी का सूचक यानी प्रतीक, प्रतीक चिन्ह क्या होता है। तो देखिए, बड़ा लाइन और यहाँ पे एक छोटा लाइन होता है, ठीक है, ये थोड़ा मोटा लाइन होता है। तो देखिए, ये बड़ा वाला लाइन ना हमेशा आपको याद रखना है, कि बड़ा लाइन वाले को प्लस से और छोटे लाइन वाले को माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी एक बैटरी है, तो बैटरी का हमारा प्रतीक चिन्ह यही होता है। कहीं भी आपको एग्जाम पूछ जाए कि बैटरी के प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन से हैं, तो आपको देखना है ये, तो इसमें लगा देना है। देखिएगा, चिन्ह पे ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला लाइन को प्लस और छोटा वाला लाइन को माइनस। तो देखिए, यहां से हमारा जो सेल होता है, सॉरी यहाँ पे सेल बैटरी नहीं होगा, सेल का प्रतीक होगा, ठीक है ना, यहाँ पे सेल का प्रतीक, ठीक है, सेल का प्रतीक जो होगा हमारा ऐसे होगा। इसके बाद हमारा सेल खत्म हो जाता है, यहां से आप देख लीजिए कि सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये उसके बाद सेल का प्रतीक चिन्ह, आपको ये दो याद रखना है, उसके बाद डिफिनेशन जो बोले हैं उसको आपको लिख लेना है। उसके बाद आता है अब बैटरी। तो बैटरी क्या होता है, देखिए, कुछ ऐसे विद्युतीय उपकरण होते हैं ना जिनके लिए ज्यादा करंट की आवश्यकता, यानी ज्यादा प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। तो सेल तो मान के चलिए, सेल तो छोटा सा रहता है, तो एक 6 वाट का बल्ब है और 2 वाट का सेल है, तो जला पाएगा बल्ब को, नहीं जला पाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, डस्टर, एक सेल लगा हुआ है, तो इसमें और हम 2 सेल मिला लेते हैं। मान के चलिए, ये जो बल्ब है हमारा वो 6 वाट का एक बल्ब है, 6 वाट का ये हमारा बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब को जलाने के लिए हमको 6 वाट का करंट चाहिए, धारा चाहिए। तो देखिए, ये हमारा जो एक बैटरी है, यह 2 ही वाट का है, तो इस बल्ब को जला पाएगा, नहीं जला पाएगा। तो यहाँ पे एक और हम बैटरी लगा सेल लगा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे एक और, इसको माइनस को आप अंदर लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर एक और सेल को हम यहाँ पे जोड़ दिए, इसका ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसको हम जोड़े हुए हैं। इसमें फिर से एक और सेल को हम यहाँ पे
जोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये देखिए ये दो वाट का है, ये भी हमारा दो वाट का एक सेल है, ये भी हमारा दो वाट का सेल है, तो ये दो प्लस दो और प्लस दो सिक्स वाट हो जाएगा कि नहीं, और ये सिक्स वाट जब एक में मिल जाएगा तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा, जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा। तो इसी प्रकार से बैटरी का डिफिनेशन हमारा होता है कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बैटरी का परिभाषा लिखिए, तो लिख देना कि आपके एग्जाम में पूछे कि बैटरी का डिफिनेशन लिखिए, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सेलों का समूह है कि नहीं, तीन सेल मिलकर के एक बैटरी बना है, तो ये हमारा तीन सेल मिलकर के एक बैटरी बन गया और ये 6 वाट का बल्ब हमारा जल गया है। यानी कोई विद्युतीय उपकरण अगर छोटा थोड़ा सा प्रबल धारा में ढूंढेगा तो हम उसमें सेल को ऐड कर देंगे, तीन चार सेल को ऐड करेंगे तो हमारा बैटरी का रूप ले लेगा और वो बड़ा से बड़ा विद्युतीय उपकरण को जला देगा और चला देगा, ठीक है। तो यहाँ से बैटरी भी हमारा खत्म हो जाता है। और बैटरी का भी सूचक जो होता है, बैटरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, बैटरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, यानी एक सेल का आपको बता चुके हैं अभी कैसा होता है, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो एक सेल का हो गया। अब यहीं पे अगर हम दूसरा सेल का भी बना दे, ये देखिए ये हमारा एक बड़ा लाइन हो गया और यहाँ पे एक हमारा छोटा लाइन हो गया, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, दूसरा सेल भी हो गया। अब तीसरा सेल के लिए भी क्या, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, यानी ये प्लस और ये माइनस, और यहां से हम क्या जोड़िए, यहां से हम दो तार को निकाल लिए, एक प्लस और एक माइनस, तो ये हमारा बैटरी का सूचक है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर तीन बैटरी एक में है ये बैटरी का सूचक है, ठीक है। आपको अगर चार बैटरी जोड़ोगे यहाँ पे तो एक और एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन इसमें ऐड कर देंगे, बस कोई जल्दी बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ से बैटरी हमारा खत्म। अब हमको देख लेना है विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में यानी दो नंबर वाले में पूछता है, हर एक साल यानी एक साल गैप देकर के अगला साल पूछता है, नहीं तो लगातार साल भी ये पूछ देता है, तो इसको आपको अभी याद करना है तुरंत ताकि आपका एग्जाम में लिखा जाए। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे विद्युत परिपथ हेडिंग डाल लेते हैं, विद्युत परिपथ क्या होता है, इसका भी आप लोग डिफिनेशन लीजिए। विद्युत परिपथ क्या होता है, वैसा पथ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो लिखा गया ना, अब यहां से अब हमको समझ लेना है कि विद्युत परिपथ कैसे किसी परिपथ पे धारा चलता है, ठीक है। तो देखिए मान के चलिए एक हमारा ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है ना, तो इसको जलाने के लिए कहीं से तो हम तार लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा एक बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक छोटा सा सेल है, सेल मान के चलिए ये हमारा सेल हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इस बल्ब को जलाने के लिए हम तार को यूज करेंगे कि नहीं, एक तार हमारा रहेगा प्लस को ले जाके इसमें जोड़ेंगे, एक तार रहेगा हमारा माइनस को ले जाकर के ऐसे जोड़ेंगे कि नहीं, तो अभी ना ये बल्ब हमारा जलेगा कि नहीं। तो यही जिस तार को हम लेके आए ना, यही हमारा परिपथ है, ये हमारा परिपथ है, यानी दो तार को हम ले गए हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये हमारा परिपथ है। यानी इस बल्ब को चलाने के लिए ये परिपथ हमारा बंद होना चाहिए तभी ये बल्ब जलेगा। अगर हम यहाँ से काट दिए तो परिपथ का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम परिपथ नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा नहीं है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो अब ये हमारा ये बन गया परिपथ, ठीक है। तो परिपथ यानी धारा प्रवाहित के लिए परिपथ का बंद होना आवश्यक है, यदि परिपथ बंद नहीं रहेगा यानी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो उसको हम परिपथ नहीं कहेंगे और धारा प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से आपका विद्युत परिपथ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, विद्युत परिपथ क्लियर हो गया नहीं क्या, तो चलिए यहां से हमारा परिपथ क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ना परिपथ आरेख, यही कहा जाता है परिपथ आरेख क्या होता है, परिपथ आरेख, परिपथ आरेख क्या होता है। तो देखिए ये हमारा परिपथ हो गया, ठीक है, ये परिपथ हो गया कि नहीं, इस परिपथ में हम बैटरी बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम एक स्विच बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे परिपथ होता है कि हम स्विच बनाते हैं उसके बल्ब बनाते हैं। तो ये हमारा जो परिपथ हो रहा है थोड़ा उठपटांग दिख रहा है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा एक असुविधाजनक दिखता है, असुविधा हमको लगता है कि एक परिपथ बनाए, बल्ब बनाए, बैटरी बनाए और स्विच बनाए, तो इसी को एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा हम उसको सूचित करते हैं, प्रतीक चिन्ह के द्वारा, ठीक है, तो उसी को हम परिपथ आरेख कहते हैं, ठीक है। तो यहां से कोई दिक्कत हुआ, अगर परिपथ आरेख का अगर डिफिनेशन पूछेगा आपको तो कैसे लिखेगा, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों की व्यवस्था को उसके प्रतीक चिन्ह के द्वारा दर्शाने वाली आरेख को विद्युत आरेख कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि नहीं, परिपथ आरेख कहते हैं, परिपथ आरेख वहां से आप लिख लीजिएगा। परिपथ आरेख क्या होता है वो भी हम समझा चुके हैं। तो यहाँ से आपका क्या विद्युत परिपथ और परिपथ आरेख खत्म हो गया। इसके बाद हमको इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी एमीटर और वोल्टमीटर पढ़ना है, उसको आप ध्यान से पढ़िए और याद करिए, ठीक है।